welcome back to my channel. Today I'm going to tell you about the concealers, as I'm having these four concealers and these are the main concealers which are majorly used in India. So without wasting a time, let's get started. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये चार concealers हैं, जिसमें से कि दो Maybelline का है, एक ये Fit Me, एक Age Rewind और ये है LA Girl का Pro Conceal और फोर्थ है ये इनसाइट का प्रो कंसीलर पैलेट, एज इट हैज कंसीलर करेक्टर एंड द कॉन्टोर. सो बेस्ड ऑन द प्राइस लेट्स स्टार्ट. ओके, फ्रॉम द लो टू हाई. सो जो सबसे पहला है वो है ये इनसाइट का प्रो कंसीलर पैलेट. इट हैज दीज कंसीलर्स करेक्टर एंड द कॉन्टोर. ओके, मैंने इसे अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मंगाया है. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे तो आप कुछ भी मंगा सकते हो. ठीक है, तो मैं इसका आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगता है. मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया है, मैं ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ. लाइक आप लोग देख लो एक बारी, ये ऐसा लगता है. ओके, इट हैज़ अ लो टू मीडियम कवरेज. आई वुड नॉट से दैट इसका फुल कवरेज है, बट या लो टू मीडियम कवरेज है इसका. ओके, और इसका प्राइस है 200 rupees, आई थिंक 199 और 200 rupees. अगर आप बिगनर हो तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हो. अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा ये. ठीक है, तो सेकेंड वन है ये Fit Me का फाउंडेशन. सच बोलूँ तो अभी तक का मेरा जो बेस्ट है वो यही है Fit Me का फाउंडेशन. लाइक ये मेरी दूसरी स्टिक है. मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर्स को यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये मेरी दूसरी स्टिक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. मेरा शेड है इसमें 25 मीडियम और ये मुझे अप्रॉक्स 399 rupees की पड़ी थी, वही 400 की. इसका भी आप एक बारी कवरेज देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. लाइक यहाँ पर दिखा देती हूँ. ओके, यहाँ पर सी, नाइस ना. देखो क्या होता है कि कंसीलर जो होता है वो हमारे शेड का हमेशा एक शेड ज़्यादा ही होता है, बिकॉज वो फिल करने में इजी पड़ता है. और इसके ऊपर आप जब पाउडर कर देते हो इसे, तो फिर ये आपके में सेट हो जाता है, क्योंकि ये आपके डार्कन एरियाज को सेट करता है. इस वजह से हमें इसे अपने से एक शेड अधिक ही लेना चाहिए. ओके, तो ये था सेकेंड वन द Fit Me. और ये है मेरा तीसरा, ये भी Maybelline का है, इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज कंसीलर. ओके, तो इसका क्या होता है कि इसको ना ऐसे करते हैं, इसको ही मैंने देखो इतना यूज़ कर लिया है. इसको हम लोग जब ऐसे करते हैं तो फिर इसका कंसीलर आता है और फिर इसको हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं. ये ऐसे यूज़ होता है. ये भी फुल कवरेज कंसीलर है. दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी गुड. Maybelline के वैसे तो सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. और ये मुझे मिला था आई गेस 600 something rupees का. मैं यहाँ पे प्राइस डाल दूँगी, आप चेक कर लेना एक बारी. तो ये वाला था. ओके, एंड दिस वन ऑफकोर्स दिस इज़ द बेस्ट. ये एक फुल कवरेज कंसीलर है. लाइक ये सारी चीज़ें, कोई भी इम्परफेक्शन आपके चेहरे पे होगी ना तो उन सभी को ये हटा देगा. ये देखो ये ऐसा निकलता है. इसमें ना यहाँ पे एक ब्रश होती है जिसके थ्रू ये कंसीलर निकल के आता है. सी, और इसका कलर भी बहुत ही नेचुरल है. लाइक एज रिवाइंड का थोड़ा सा वाइटिश पे चला जाता है, बट इसका तो हमारे स्किन से ही होता है. ऐसा है, ये तो बहुत ही अच्छा है. देखो अभी यहाँ पे कौन कौन सा हो गया है. इसका पहले मैं इसका प्राइस बता देती हूँ. इसका प्राइस है 699 rupees. ऑफकोर्स इसका प्राइस 699-700 थोड़ा ज़्यादा है, बट ये वर्थ इट है क्योंकि ये प्राइस के हिसाब से ये फुल कवरेज देता है और बहुत ज़्यादा चलता है. ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता. और कंसीलर्स हम इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं सभी लोग डेली यूज़ में. ये वाला था मेरा इनसाइट का. फिर ये वाला था Fit Me फाउंडेशन, ये था एज रिवाइंड, और ये वाला है LA Girl. देखो Fit Me जो है वो बेस्ट है अपने प्राइस के लिए. और अगर आप बिगनर हो तो Fit Me को आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप Fit Me को यूज़ करो, बिकॉज मैं खुद करती हूँ तो मुझे पता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है. फिर अगर कोई सेकेंड नंबर पे मैं रिकमेंड करूँगी तो फिर वो होगा ये LA Girl का.
एलिगेंट बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है फुल कवरेज के लिए, पार्टी वगैरह के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और बाकी अगर आप एज रिवाइंड की बात करते हो या इनसाइट की बात करते हो, इनसाइट एक्चुअली क्या है, बहुत ही लो प्राइस और बहुत ही लो कवरेज देता है, तो ठीक है अगर आप बिगनर हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि हाँ थोड़ा अच्छा सा लो, नहीं मुझे यूज़ करना है ऐसा वैसा कुछ भी, तो आप फिटमी ले लो या फिर उसके बाद आप एले गर्ल प्रेफर करोगे। ओके, और एज रिवाइंड भी अच्छा है बट फिटमी और एले गर्ल जो मेरा है वो फेवरेट है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये दोनों यूज़ करो और बहुत ही अच्छा है वैसे तो, ये अच्छे तो सभी हैं, लेकिन मैंने अपना रिव्यू दिया है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि मेरे चेहरे पे क्या सूट करता है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कंसीलर सबके पे सेट हो ही जाए, बट ये दोनों जो है ये मुझे लगता है कि सबके ही स्किन पे अच्छा होता है। और प्राइस की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये 400 का है, ये 699 का है, 700 का, ऑफकोर्स क्वालिटी के हिसाब से ये डिफर करेगा एंड ऑल्सो शेड के हिसाब से भी डिफरेंट करते, लाइक ये मेरे को 399 में मिला, मे बी किसी का शेड में से ज़्यादा होगा तो उसका हो सकता है कि वो 350 में भी मिल जाए या 360 में मिल जाए, और ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं। अदरवाइज मैं इन सभी कंसीलर्स का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उसे देख लेना। एंड ऑल्सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।